सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। तो आज मैं उसमें एक नए टॉपिक की शुरुआत लेकर के आया हूँ। पहला ही टॉपिक है तो आज जो हम लेकर के चलते हैं वो लेकर के चलते हैं मैं दोस्त क्या उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो यूपी जीके जो है तो यहाँ से इस यूपी जीके से संबंधित कई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से मैं दोस्तों में कई ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो सीधा सीधा आप लोगों के एग्जाम के अंदर मिलेंगे। कई क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है तो सबसे पहले शुरुआत होती है मैं दोस्त यहाँ से क्या कि जो ये उत्तर प्रदेश जो है इस उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुआ था तो यहाँ से मैं दोस्त सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं यहाँ से ये लेकर के आए हैं कि इस उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुआ था इसकी स्थापना हुआ था 24 जनवरी। तो यहाँ से इस बात को याद रखना कि 24 जनवरी सन 1950 के अंदर में दोस्त एक भारत के अंदर एक राज्य बना और उस राज्य का जो नाम पड़ा उसका नाम पड़ता है दोस्त क्या उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रख सकते हो कि ना रख सकते हो अगर आपसे कोई भी व्यक्ति ये क्वेश्चन पूछ ले कि यूपी जो उत्तर प्रदेश जो था वो उत्तर प्रदेश कब बना था तो उसकी स्थापना जो हुआ था 24 जनवरी सन 1950 के अंदर हुआ था और इस उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम पड़ता है तो यहाँ पे इस बात में याद रखियो रहे कि इसे उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम पड़ता है इसका पुराना नाम क्या पड़ता है तो यहाँ से इसका पुराना नाम पड़ता है यूनाइटेड। तो यहाँ से यूनाइटेड यूनाइटेड और इसके बाद लेकर के चलना है नोविस। तो यहाँ से इसका जो पुराना नाम पड़ता है ना तो वो नाम पड़ता है यूनाइटेड नोविस। इसका मैं दोस्त क्या पड़ता है पुराना नाम पड़ता है। तो यहाँ से इस बात को याद रख सकते हो। दो क्वेश्चन बताए हैं। पहला क्वेश्चन क्या बताया कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ 24 जनवरी 1950 के अंदर हुआ इसका पुराना नाम क्या पड़ता है यूनाइटेड नोविस पड़ता है। ये नए नहीं भाई ये दय है यूनाइटेड नेविस के नाम से इसको क्या जाना जाता था किसको उत्तर प्रदेश को। इसके बाद क्वेश्चन लेकर के चलना है कि जो उत्तर प्रदेश जो है ना इस उत्तर प्रदेश की जो राजधानी पड़ती है तो दुनिया को मालूम है किसान आंदोलन के अंदर भी कहा था कि लखनऊ आओ तब बताएंगे तुम लोगों को। तो याद रखना इसकी जो राजधानी पड़ती है इसकी राजधानी में दोस्त क्या थी लखनऊ थी। तो लखनऊ किसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद क्वेश्चन लेकर के चलते हैं कि इस यूपी के अंदर जो जिले आते हैं कैंड का मतलब ये है जो कर हरियाणा में जिले हैं यूपी में जिले हैं हरियाणा में 22 जिले हैं यूपी के अंदर जिले कितने हैं। तो यूपी के अंदर जो जिले पड़ते हैं उनकी संख्या जो पड़ते हैं उनकी संख्या पड़ती है 75 जिले हैं। तो यूपी के अंदर जो जिले पड़ते हैं उन जिलों की संख्या में दोस्त कितनी पड़ती है 75 पड़ती है। और इसके बाद जो कर हरियाणा में पहले 4 मंडल थे अब कितने मंडल है 6 मंडल है। तो यही बात निकल करके आई कि यूपी के अंदर जो मंडल पड़ते हैं इन मंडलों की जो संख्या पड़ती है इनकी संख्या कितनी पड़ती है आपको याद रखना है 18 पड़ती है। तो मंडल कितने निकल करके आए 18 निकल करके आए जिले कितने निकल करके आए 75 निकल करके आए। यूपी की स्थापना कब हुआ 24 जनवरी 1950 के अंदर हुआ था। यूपी का पुराना नाम क्या है यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि मंडल इतने हुए जिले इतने हुए यूपी का सीएम कौन है तो सीएम को भी तो याद रखना है। तो यूपी का जो मुख्यमंत्री है ये दुनिया को पता है इसका जो नाम पड़ता है श्री योगी आदित्यनाथ पड़ता है। तो यार इस बात में याद रख लोगे आदित्यनाथ पड़ता है यूपी का जो सीएम है उसका नाम क्या पड़ता है श्री योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। यूपी की जो यूपी का जो राज्यपाल जो है तो यहाँ से बात भी याद रखना है सीएम याद रख लिया राज्यपाल भी आपको याद रखना है राज्यपाल का नाम पड़ता है आनंदी बेन पटेल। तो यार इस बात में याद रखियो आनंदी बेन पटेल जो है मैं तो सीएम कौन है ये यूपी की राज्यपाल है। सीएम कौन आया योगी आदित्यनाथ आया राज्यपाल कौन आया आनंदी बेन पटेल आया। इसके बाद लिखना है यूपी के अंदर जो विधान परिषद की सीट पड़ती है तो याद करियो क्वेश्चन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
विधान परिषद की जो सीट पड़े है उन विधान परिषद की जो सीटा की संख्या पड़े है। कहीं पर पूछेगा यूपी जीके के अंदर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा कि यूपी के अंदर विधान परिषदों की संख्या कितनी है। आपको याद रखना है, 100 याद रखना है, इसके बाद लेकर के चलना है। यूपी के अंदर एक तो विधान परिषद आगी, दूसरी याद रखनी है मतलब क्या, विधानसभा। तो इस विधानसभा की जो सीट है का, वो विधानसभा की सीट कितने इलेक्शन चालू हो जाओगे। देखियो कि यूपी में है ना विधानसभा की 403 सीट है और 403 सीट ताकत है, 350 सीट में दो सुवाई कुल्ली पार्टी लेगी। तो याद रखियो विधानसभा की सीट कितनी है, 403 है, विधान परिषद कितनी है, 100 है, विधानसभा कितनी है, 403 है। इसके बाद याद रखना है लोकसभा की, लोकसभा की सीट कितनी है। तो लोकसभा की जो सीट है ना, इन सीटा की जो संख्या पड़े उनकी संख्या कितनी पड़ती है, 80 पड़ती है। कि यूपी के अंदर जो लोकसभा की जो सीट है उनकी संख्या में दोस्त कितना पड़ा, 80 पड़ता है। इसके बाद याद रखना है, और इसी राज्य इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो राज्यसभा की सीटें हैं, जो राज्यसभा की जो सीट है उनकी संख्या में दोस्त कितनी पड़ती है, आपको याद रखना है 31 पड़ती है। इसके बाद याद रखना है कि इस यूपी का जो राजकीय वृक्ष पड़ता है, तो ये बात भी याद रख लियो रे, यूपी का जो राजकीय वृक्ष है जुकर मारे हरियाणे का बरगद है, जुकर ये मान ले कमल का फूल मान ले हुए है। तो याद रखना है यूपी का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम क्या पड़ा है, उसका नाम पड़ता है सीता अशोक। तो यार इस बात में याद रखियो, सीता अशोक जो है ना ये यूपी का दोस्त के है, राजकीय वृक्ष है, इसका दूसरा नाम पड़ता है सरका इंडिका। तो याद रखिए इसका जो दूसरा नाम है ना, दूसरा नाम पड़ता है सरका इंडिका। तो यह बात याद रख लो, इतनी याद रख लोगे, यूपी का जो जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम पड़ता है सीता अशोक पड़ता है, इसका दूसरा नाम क्या पड़ता है सरका इंडिका। ये ज्यादा ही करना छावेदार वृक्ष होता है, याद रखना है जो सरका और इंडिका जो है ना ये ज्यादा ही छावेदार वृक्ष होता है। तो इसको मैं दोस्त यूपी का क्या बनाया गया है, राजकीय वृक्ष बनाया गया है। इसके बाद लिखना मैं दोस्त क्या, कि यूपी का जो राजकीय फूल पड़ता है। तो यह बात याद रख लोगे, जो यूपी का जो राजकीय फूल पड़ता है उस फूल का नाम क्या पड़ता है, पलाश पड़ता है। तो याद रख लियो, पलाश याद रख लो, पलाश याद रखना है, या इसके स्थान पर आपको दूसरा नाम इसका याद रखना है, धाक याद रखना है। तो यूपी का जो राजकीय फूल है उसका नाम क्या पड़ा, पलारा, या तो पलारा मिलेगा पलाश मिलेगा, तो आपको क्या याद रखना है, धाक याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन याद रखना है, यूपी का जो राजकीय पशु माना जाता है, तो एक तो फूल आ गया, आपको के और याद रखना है राजकीय पशु, और याद रखना है कि यूपी का जो राजकीय पशु पड़ता है उसका नाम पड़े के बारासिंगा। तो यह बात और याद रखियो, यूपी का जो राजकीय पशु उसका के नाम पड़ा है, उसका नाम पड़ता है मधुष क्या पड़ता है, बारासिंगा पड़ता है। इसके बाद याद रखना है यूपी का ये तो राजकीय पशु आया है, राजकीय पक्षी भी तो आएगा, आपको याद रखना है यूपी का जो राजकीय पक्षी पड़ता है उसका क्या नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ता है सारस क्रेन। आपने एक नाम सुना होगा सारस पक्षी का, तो याद रखियो यूपी का जो राजकीय पक्षी जो माना जाता है उसका नाम क्या पड़ता है, सारस पड़ता है, या इसके स्थान पर मैं दोस्त क्या मिलेगा, क्रेन मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन लेकर के चलना है कि यूपी का जो सबसे बड़ा जिला माना जाता है, तो यार क्या बात याद रखियो, क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है ना उसका नाम पड़ता है लखीमपुर खीरी पड़ता है। तो ये बात याद रखना, लखीमपुर खीरी पड़ता है। तो यह बात याद रखियो, यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है ना उसका के नाम पड़ा लखीमपुर खीरी पड़ता है, और यूपी का जो सबसे छोटा जिला पड़ता है। तो यह बात याद रखनी है कि अब क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे छोटा जिला
जिला। तो यूपी का जो सबसे छोटा जिला है ना, अब क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा जिला है उसका नाम पड़ता है मतलब क्या पड़ता है, हापुड़ पड़ता है। तो यह बात याद रख लोगे, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी पड़ता है, और सबसे छोटा जिला कौन सा पड़ता है, हापुड़ पड़ता है। इसके बाद लिखना है यूपी जो था ना, इस यूपी का जो उच्च न्यायालय पड़ता है, तो इस बात को भी तो याद रखना है, उच्च न्यायालय जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है यूपी का उच्च न्यायालय में तो कहां पर पड़ता है, प्रयागराज के अंदर पड़ता है, और प्रयागराज की क्या पड़ा है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं दोस्त इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।